गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज नुबिया राहत। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, समेटिव असेसमेंट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, सो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, दिस इज आवर न्यू चैप्टर, उ की मात्रा वाले शब्द। स्टूडेंट्स, उ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, इस तरह से उ की मात्रा लगती है। चलिए हम आगे रीडिंग करेंगे तो जानेंगे कि उ की मात्रा लगाने से किस तरह के शब्द बनते हैं। सबसे पहले है पा, उ की मात्रा पु, ला पुल। यानी आपने देखा पा पर हमने उ की मात्रा लगाई तो कैसी साउंड आ रही है पा के साथ, उ की। इसका मतलब पा पर उ की मात्रा लगी है। पा, उ की मात्रा पु, ला पुल। मा, उ की मात्रा मु, ना पर ई की मात्रा नी, मुनी। सा, आ की मात्रा सा। बा, उ की मात्रा बु, साबु, ना साबुन। बा, उ की मात्रा बु, ला बुल। बा पर उ की मात्रा बु, ला बुल, यानी कि बुलबुल। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जिन अक्षर पर हम उ की मात्रा लगा रहे हैं उस अक्षर में उ की साउंड आ रही है। इसका मतलब है कि उस अक्षर पर उ की मात्रा लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्दों को बोलकर पढ़िए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अब हम इन्हें पढ़ेंगे। का, उ की मात्रा कु, ला कुल। बा, उ की मात्रा बु, ना बुन। धा, उ की मात्रा धु, ना धुन। चा, उ की मात्रा चू, ना चुन। ता, उ की मात्रा तू, ला आ की मात्रा ला, तुला। गा, उ की मात्रा गु, फा आ की मात्रा फा, गुफा। आगे है गा, उ की मात्रा गु, ला आ की मात्रा ला, गुलाब, गुलाब। या, मा पर उ की मात्रा मु, ना आ की मात्रा ना, यमुना। चा पर उ की मात्रा चू, हाँ पर ई की मात्रा ही, चूही। या, आ की मात्रा या, चूहिया। दा पर उ की मात्रा दू, का आ की मात्रा का, दुका, न दुकान। का, उ की मात्रा कु, मा आ की मात्रा मा, कुमार, कुमार। का, उ की मात्रा कु, रा कुर। सा पर ई की मात्रा सी, कुर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चा पर उ की मात्रा चू, पा चुप। चा, आ की मात्रा चा, पा चाप, चुप चाप। का, उ की मात्रा कु, मा कुम। का, उ की मात्रा कु, मा कुम, यानी कि कुम कुम। गा पर उ की मात्रा गु, जा गुज। रा, आ की मात्रा रा, ता रात, गुज रात। सा पर उ की मात्रा सु, का सुख। रा, आ की मात्रा रा, ता रात, सुकरात। खा पर उ की मात्रा खु, शा खुश। हा, आ की मात्रा हा, ला हाल, खुशहाल। झा पर उ की मात्रा झू, ना झुन। झा पर उ की मात्रा झू, ना झुन, झुनझुन। सो स्टूडेंट्स, ये थे उ की मात्रा वाले शब्द। आई होप अब सभी स्टूडेंट्स को उ की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। कुसुम खुरपा लाई, गुड़ाई की, गुलाब लगाया, कुछ दिन बाद गुलाब खिला। कुसुम खुश हुई। सुमन सुबह उठकर दातुन कर।
किसी का नुकसान कभी मत कर। बुलबुल का गाना सुन। स्टूडेंट्स, ये थे वाक्य जिनकी हमने अभी रीडिंग की। अब आगे है कविता गाइए। ये एक कविता गीत दी गई है, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। सो स्टूडेंट्स, ये थे ऊ की मात्रा वाले शब्द। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ऊ की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब ऊ की मात्रा से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है ऊ की मात्रा से रिलेटेड अभ्यास। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज, रंगीन वर्ण पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें रंगीन वर्ण भी हैं। उन रंगीन वर्ण पर आपको ऊ की मात्रा लगानी है और एक नया शब्द बनाना है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ रंगीन वर्ण यानी कि कलर्ड लेटर है पा। आपको पा पर ऊ की मात्रा लगानी है। पा पर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पा ऊ की मात्रा पू, का आ की मात्रा का, पुका र पुकार। आगे है गा। यहाँ पर कलर्ड लेटर कौन सा है? गा। आप गा पर ऊ की मात्रा लगाएंगे। गा पर ऊ की मात्रा गू, ला आ की मात्रा ला, ब गुलाब। आगे है ला। ला यहाँ पर रंगीन वर्ण है यानी कि कलर्ड लेटर है, तो आप ला पर ऊ की मात्रा लगाएंगे। ला पर ऊ की मात्रा लू, हा आ की मात्रा हा, लुहा र लुहार। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उनको देखकर उनके नीचे उनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उचित वर्ण पर ऊ की मात्रा लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ आपको उचित वर्ण पर ऊ की मात्रा लगानी है और लगाकर वाक्य दोबारा लिखना है, यानी कि सेंटेंस दोबारा लिखना है। जैसे फर्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ लिखा है जामन, तो जामन नहीं होता है, आप यहाँ माँ पर ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे बन जाएगा जा, आ की मात्रा जा, माँ पर ऊ की मात्रा मू न जामुन, का बा लगा। इस तरह से सेकंड, ये लिखा है सनार। सनार वर्ड को हमें चेंज करना है ऊ की मात्रा लगाकर। सा पर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सु, ना आ की मात्रा ना, सुना र सुनार। सुनार की दुकान पर जा। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये थी ऊ की मात्रा से रिलेटेड अभ्यास। सभी स्टूडेंट्स इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हिंदी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।